हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम बात करें अपकमिंग आईपीओ के बारे में, जो इस हफ्ते आने वाले हैं, और किस आईपीओ के अंदर ज़्यादा चांसेस है, सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और साथ ज़्यादा किस में ज़्यादा चांसेस है, आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिल सकता है कि नहीं मिल सकते हैं। ये सारी बातें, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन सा आईपीओ हमारे लिए बेस्ट रहेगा कि जिसके अंदर ज़्यादा चांसेस है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रीमियम मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सके इस आईपीओ में। ये सारी बातें, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कहूँगा, जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करते चलना, चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलना। चलो देखते हैं अपकमिंग आईपीओ जो आने वाला है इस हफ्ते। वेलकम बैक टू माई चैनल। हम बात कर रहे हैं इस वीक में कौन कौन से आईपीओ आ रहे हैं उसके बारे में देख रहे हैं। तो पहला आईपीओ होम्स फायर रियलिटी आईपीओ देखा जाए तो इसकी डिटेल अगर देखते हैं तो ये आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा करीब करीब देखा जाए 21 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 23 दिसंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। इसका फेस वैल्यू का देखते हैं तो इसका फेस वैल्यू ₹10 रखा गया है और साथ साथ में आईपीओ प्राइस देखा जाए तो करीब करीब 197 प्राइस रखा गया है, 197 करीब करीब रखा गया है। और लॉट के बारे में बात करते हैं, मिनिमम एक लॉट अगर आप लेते हैं एसएमई आईपीओ के अंदर तो 600 शेयर्स आएंगे। और एसएमई आईपीओ ऐसा है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है, जो मैं हर आईपीओ के वीडियो में बताता हूँ। और इशू साइज़ के बारे में बात करते हैं तो 15 करोड़ 86 लाख का ये आईपीओ है, करीब करीब देखा जाए तो पूरा ये पूरा फ्रेश इशू है 15 करोड़ 86 लाख का ये आईपीओ। और साथ साथ में हम बात करते हैं लिस्टिंग की, तो देखा जाए तो इसके अंदर जो लिस्टिंग बताई जा रही है एनएससी एसएमपी लिस्ट होगी। ध्यान देने की चीज़ है, एक एसएमई आईपीओ है जो एनएससी एसएमपी लिस्ट होगा। और कोटा भी देखते हैं तो देखा जाए तो कोटा जो रखा गया है इसके अंदर एचएनआईएस का 50% रखा गया है। हम जैसे आप जैसे जो रिटेल है, रिटेल का भी इसके अंदर 50% रखा गया है, यानी एचएनआईएस का भी 50% है और रिटेल का भी 50% है। चलो देख लेते हैं आईपीओ की और भी डिटेल क्या है वो देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा देना। चलो देखते हैं नेक्स्ट आईपीओ कौन सा आ रहा है इस वीक में। हम बात करें आईपीओ के बारे में, देखा जाए तो मोक्ष वर्सेज एडुकेन आईपीओ करके ये आईपीओ भी आ रहा है इसी वीक में। देखा जाए तो ये भी 21 दिसंबर को स्टार्ट हो जाएगा, यानी 21 दिसंबर को वेडनेसडे को स्टार्ट होगा और 23 तारीख को है फ्राइडे, फ्राइडे को ये क्लोज हो जाएगा। और साथ साथ में देखते हैं इसका फेस वैल्यू देखा जाए तो ₹10 रखा गया है पर शेयर्स। और एक चीज़ और है, इसका प्राइस देखा जाए तो करीब करीब ₹153 रखा गया है, ₹153 प्राइस रखा गया है। और साथ साथ में एक लॉट के बारे में बात करते हैं, एक लॉट के अंदर देखा जाए तो 800 शेयर्स रखे गए हैं, यानी मिनिमम आपको एक लॉट लेना रहेगा जिसके अंदर 800 शेयर्स रहेंगे। और साथ साथ में देखते हैं इशू साइज़ के बारे में बात करते हैं तो ये पूरा ही पूरा फ्रेश इशू है और इशू साइज़ जो है करीब करीब 10 करोड़ 42 लाख का ये आईपीओ है। और साथ साथ में देखते हैं ये आईपीओ के बारे में, तो ये एनएससी एसएमई पे लिस्ट होगा। ध्यान देने की चीज़ है क्योंकि ये एसएमई आईपीओ है, कहाँ लिस्ट हो रहा है, एनएससी की वेबसाइट पे लिस्ट हो रहा है। और जो कोटा इसके अंदर रखा गया है 50% कोटा एचएनआईएस का रखा गया है, और 50% कोटा हम जैसे आप जैसे जो रिटेल है उनके लिए 50% कोटा रखा गया है, यानी दोनों के लिए देखा जाए तो 50% रखा गया है। फिलहाल चलो देखते हैं नेक्स्ट आईपीओ जो आने वाला है इस वीक, उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आरबीएम इंफ्राकॉन आईपीओ के बारे में। अगर इसकी डिटेल देखते हैं तो ये भी आईपीओ 23 तारीख से स्टार्ट होगा और 23 दिसंबर को देखा जाए फ्राइडे है, फ्राइडे को ये स्टार्ट हो जाएगा और साथ साथ में देखा जाए तो 27 तारीख को ये क्लोज भी हो जाएगा। और इसका भी फेस वैल्यू देखा जाए तो ₹10 पर शेयर्स रखा गया है। आईपीओ प्राइस के बारे में बात करते हैं तो ₹36 इसके अंदर पर शेयर आईपीओ रखा गया है। और लॉट साइज़ देखा जाए तो एक लॉट के अंदर 3000 शेयर्स रखा गया है, यानी आप मिनिमम एक लॉट लेना होगा रिटेल को तो इसके अंदर आपको 3000 शेयर्स मिलेंगे। और साथ साथ में क्योंकि एसएमई आईपीओ, एसएमई आईपीओ के अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ही ट्रेडिंग होती है। इन फ्यूचर अगर ये मेन बोर्ड आईपीओ, ये आईपीओ या ये कंपनी मेन बोर्ड में आती है तब इसके अंदर इसका कंपनी का आप 1-2 शेयर्स खरीद सकते हैं। फिलहाल देखा जाए तो ये कंपनी का अगर बात करते हैं इशू साइज़ के बारे में तो देखा जाए तो करीब करीब 8 करोड़ का ये आईपीओ है, 8 करोड़ 37 लाख का ये आईपीओ है। और टोटल देखा जाए तो फ्रेश इशू ये आईपीओ है, 8 करोड़ 37 लाख पूरा की पूरा फ्रेश इशू है। और लिस्टिंग की बात करते हैं तो ये एनएससी एसएमई हमको लिस्ट होने दिखाई देगा, यानी एसएमई आईपीओ है और एनएससी एसएमई पे लिस्ट होगा। और एचएनआईएस के बारे में बात करते हैं, कोटे के बारे में बात करते हैं तो 50% इसके अंदर भी एचएनआईएस कोटा 50% रखा गया है। और हम जैसे आप जैसे जो रिटेल है उनको, उनका भी कोटा जो रखा गया है वो 50% रखा गया है। चलो देखते हैं और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। और उससे बाद वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन की बड़ा दबा देना ताकि नई नई वीडियोस, नई नई नॉलेज मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।